जहाँ से स्किप किया था बस वहीं से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वैसे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन कल मैंने आपको मैसेज जो दे दिया था कि आज मेरा ये वीडियो आएगा। तो हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं लेकर आई हूँ सांगली न्यू व्लॉग। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो। और ये वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहना। और आपको सांगली टूर भी करवाएंगे। वैसे सांगली के बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, और सांगली में जो लोग रहते हैं मेरा वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी पसंद कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारी सारी फैमिली यहाँ पर बैठी हुई है और सभी लोग जो है यहाँ पर बातें कर रहे हैं। तो ये मेरी देवरानी के घर का वीडियो है, तो मेरी देवरानी यहाँ पर जो है नहीं है, अभी हम आपको दिखाएंगे। तो ये यहाँ पर सब नाश्ता वगैरह लेकर आ गए थे। वैसे हम लोग जब यहाँ पर आए तो काफ़ी अच्छा लगा। वैसे यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, कभी भी यहाँ पर नहीं आई हूँ। और यहाँ पर मेरे देवरानी के जो है अब्बू बैठे हुए हैं और उनके भाई भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बाकी जो हम लोग सब लोग जो आए हैं वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये लोग नाश्ता वगैरह ले आए थे, वैसे हम लोगों ने मना किया था लेकिन माने नहीं। और यहाँ पर आप मुझे भी देख सकते हैं, क्योंकि YouTube को हमारे वीडियो में हमारा आना ज़रूरी है, क्योंकि YouTube कहता है आप ज़रूर आएँ। तो इस वजह से एक क्लिप मैंने जोड़ दी है अपनी भी यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा हमें आने के बाद। वैसे आपको हम अभी टेरेस पे ले चलेंगे और सारी चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ पर इन लोगों ने बातें वगैरह बहुत देर तक की, और ज़्यादा टाइम हम नहीं बैठे थे, बहुत कम टाइम बैठे थे, क्योंकि जो है मेरी देवरानी हमारे जो है बच्चे की, मेरे बेटे की इंगेजमेंट में आई थी, तो उन्होंने कहा था आना ज़रूर। तो हम लोग दरगाह पर जब गए थे तो दरगाह से नज़दीक में इनका घर था, और इनका घर मीरज में है, सांगली मीरज में। तो वहीं पर हम गए हैं। तो ये देख सकते हैं मेरी देवरानी, और ये मुंबई में रहती हैं, और अभी ये अपनी अम्मी के घर पे आई हैं, अम्मी अब्बू के घर पे। तो ये जो है यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए ही यहाँ पर रहेंगी, फिर ये मुंबई आ जाएंगी। तो इनका मायका है, और यहाँ पर हमने सोचा चलिए इनके घर का दिखाते हैं कि लोग कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं इनके घर में। तो ये घर काफ़ी अच्छा है, और ये जो इनके अब्बू हैं तो ये मिस्त्री का काम करते हैं, यानी कि घर बनाते हैं। और ये मेरी देवरानी की भाई की बेटी है, तो देख सकते हैं आप, बच्ची है छोटी। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद, और यहाँ पर हमारे सभी फैमिली वाले बैठे हैं। तो इस वीडियो में जो है आप लोग ने, पिछले वीडियो में आप लोग ने बहुत कमेंट किया था, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट किया था, बहुत अच्छा लगता है आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं। और मेरे इसी महीने में 4 वीडियो वायरल भी हो गए हैं। तो चलिए टेरेस के ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं टेरेस की सारी चीज़ें। सो फ्रेंड, इनका टेरेस काफ़ी अच्छा था और काफ़ी बड़ा सा टेरेस था, और यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो निकाली थी जो आप लोगों से शेयर की थी, तो इतना लोगों ने पसंद किया, और वो फोटो पर बहुत सारे लाइक लोगों ने दिए हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये लोग टेरेस पे सब आ चुके हैं, और ये मेरे भांजे हैं, और ये लोग यहाँ पर सारी चीज़ें देख रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देख सकते हैं बाहर का व्यू, तो बाहर भी काफ़ी अच्छा था और काफ़ी साफ़ सुथरा। तो विलेज इस तरीके का बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हमारी गाड़ी भी खड़ी हुई है, और यहाँ पर बैट वगैरह बनते हैं, और यहाँ से ही बहुत सारे बैट इंडिया में ट्रांसफ़र होते हैं, सप्लाई होते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर नारियल वगैरह बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, ये नारियल का पेड़ है, और यहाँ पर ये लोग देख रहे हैं सारे नारियल वगैरह। तो बहुत सारे नारियल टूटे हुए रखे हुए हैं यहाँ पर। सो फ्रेंड, ये पिंक शर्ट का जो बच्चा है, तो ये मेरे देवर का बेटा है, और ये इसकी नानी का घर है। तो लड़का हम लोगों ऊपर लेकर आया था, और बहुत सारी चीज़ें हमको दिखाई यहाँ पर। अंगली का नारियल,
यूपी का नहीं है, सांगली का है। ये तो पंजाबी बोल। हाँ चलो नारियल जाओ लेके जाओ। ये हमारे अबू भाई का घर है। किसका घर है? अबू अबू अरबाज भाई से मिलो। अरबाज भाई हमारे सांगली का है, इधर रहते हैं। कई पेड़ है। हाँ बोलो बोलो। पी पी के देखो कैसे माशाल्लाह तंदुरुस्त हो रहे और तंदुरुस्त हो है ना। बोलो तुम भी बोलो। नहीं मैं बोलता रहता हूँ। अच्छा आज हम आए अबू भाई के घर पे। ये हमारे अबू भाई हैं सांगली के, यहीं रहते हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं भाई। हमको दिखा रहे हैं आज नारियल का पेड़। ये नारियल का पेड़ है, इनका घर है, इनकी छत है, यहीं रहते हैं। हाँ टेरिस है। अबू भाई आप बोलो बोलो। 40 से ऊपर घर नीचे। हाँ कब से रह रहे अपन लोग इधर? अभी से रहे, बहुत साल से रह रहे हम लोग इधर। अभी बम्बई भी आते हैं, हमारे ब्लॉग में कुछ कुछ में दिखेंगे आपको। ये है ना अबू भाई, रोड का भी दिखाओ। चलो गिरते गिरते बच्चा है, फिर भी काम चालू है। काम चालू है। यहाँ पे बेड बनते हैं, इंडियन टीम्स के बेड यहीं से जाते हैं। हाँ ये देखो इधर पे, यहाँ पे बेड बनते हैं। इंडिया के पूरी कंट्री में यहीं से बैठ जाते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जितने भी क्रिकेटर हैं सब लोग यहीं से जाते हैं। यहीं से जाता है, एक्सपोर्ट होता है। बोलता है सीएट के बेड बनते हैं हमारे। सीएट नहीं, सीएट के ज़्यादा बनते हैं। आप मुझे भी यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर टेरिस पर आ गई थी और ये लोग सारी चीजें, यानी कि जो मेरे देवर के बेटे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें दिखा रहे हैं। तो ये कड़ी पत्ते का पेड़ है, तो इस तरीके के यहाँ पर ये लगे हुए हैं। और बहुत अच्छा टेरेस था जहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी अच्छी लगी हुई थी, पेड़ पौधे। तो इस तरीके से मुझे पेड़ छूना बहुत पसंद है। और यहाँ पर आने के बाद काफ़ी हरा भरा सा था। वैसे गाँव वगैरह काफ़ी अच्छा लगता है, शहर वगैरह से मुझे गांव में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सारे पेड़ लगे हुए थे, खुशबू वाले पेड़, तो ये सब बता रहे थे। अरबाज इनका नाम है। और मैं यहाँ सारी चीज़ें देख रही थी कि सारे पेड़ पौधे, तो ये लोग जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से रहते हैं। इनका बहुत घर वगैरह बहुत बड़ा है। और ये है ये भी एक पेड़ है, और ये पेड़ पता नहीं किस चीज़ का है, मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे पेड़ वगैरह यहाँ पर लगे हुए थे जो कि हम लोग देख रहे थे। ये फ्लावर्स का पेड़ है। आप तो जानते हैं कि फ्लावर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, फूल वगैरह मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें ये दिखा रहे थे अरबाज हमें यहाँ पर। और हम लोग अब चलेंगे नीचे और देखते हैं कि नीचे क्या हो रहा है। और काफ़ी अच्छा लगा इनके घर पर आने के बाद। घर भी काफ़ी अच्छा बड़ा सा था, इनका घर बहुत मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पर हम पहुँचे इनकी जो मेरी देवरानी, उनके भाई की बेटी है ये। और यहाँ पर ये इनका घर देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा सा घर था और बहुत अच्छा। तो इस तरीके से हमारे वीडियो आप लोग पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कमेंट भी करते हैं। सो फ्रेंड, ये लोग का किचन भी बहुत अच्छा था, काफ़ी बड़ा सा किचन है, लेकिन इस तरीके से जो बर्तन लगे हुए होते हैं तो इसकी सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। वैसे हम लोग घर में जो किचन है टॉली वाला है, जबकि बर्तनों की इतनी सफाई नहीं करनी पड़ती है। लेकिन इस तरीके के बर्तनों जो लगे होते हैं और बड़ा किचन हो, साफ सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे बड़े वाले बेटे शोएब हैं, और यहाँ पर छोटी सी बच्ची को भी आप देख सकते हैं, ये है मेरी देवरानी। और यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर शीर कोरमा भी इन लोगों ने बनाया था, चाय बनाया था। और काफ़ी ये लोग हम लोग को रोक रहे थे कि शाम को जाना, लेकिन जो हम लोग के पास टाइम नहीं था। आज शाम की हमारी ट्रेन है, सांगली से हम मुंबई जाएंगे। तो मेरी देवरानी हम सबको बहुत रोक रही थी। यहाँ पर मुझे भी शीर कोरमा दिया था, लेकिन मुझे खाने का ज़्यादा मन नहीं था, मैंने बहुत थोड़ा सा खाया। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे भाई जान और सारे लोग बैठे हैं, और ये मेरी देवरानी है। तो ये मेरी सगी देवरानी है, और मेरे हस्बैंड के जो भाई हैं छोटे, उनसे ये उनकी वाइफ हैं। और अब हम बैठेंगे अपनी गाड़ी में और चलते हैं, आपको और भी दिखाएंगे अब हम कहाँ जाने वाले हैं।
पूरा वीडियो आप देखा करिए ताकि आपको पता चले कि हम सांगली में कहाँ कहाँ गए। वैसे सांगली के वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मैंने सांगली विलेज जो डाल दिया है तो विलेज की वीडियो बहुत पसंद करते हैं लोग, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से गांव वगैरह में जाने के लिए। और आप लोग मेरे वीडियो में बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को अब देख रहे हैं, अब मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहा है मेरा वीडियो। तो ये देख सकते हैं सांगली का बाज़ार जहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बिकती है, तो मेरे बेटे ने कहा अम्मी तुम सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ख़रीदती हो तो यहाँ से सब्ज़ी ले लो, तो मैंने कहा अभी मेरे फ्रिज में इतनी सारी सब्ज़ी रखी हुई है मैं यहाँ से ले जाकर क्या करूँगी। तो मेरे बेटे मेरा जो मजाक बना रहे थे कि अम्मी तुम सब्ज़ी ख़रीद लो यहाँ से, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आने के बाद। और हम लोग गाड़ी में अब बैठ के जा रहे हैं, तो चलते हैं, किसी और के भी घर जाना है हमें, वीडियो में बने रहना। हम लोग गाड़ी में सब लोग बैठे हैं, तो देख सकते हैं कि आप लोग सोचते हैं कि मैं बुरखे में, तो हमेशा मैं बुरखा पहन कर ही जाती हूँ, बिना बुरखे में कहीं नहीं जाती हूँ। तो बहुत सांगली साफ सुथरा है, बहुत अच्छा विलेज है और बहुत साफ सफाई, और ये महाराष्ट्र में लगता है, तो मुंबई से यहाँ आने के लिए 6 घंटे लगते हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं एक और रिश्तेदार के घर, तो यहाँ पर इनकी शॉप है यानी सामान की दुकान है इनकी, तो हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और इनके भी घर हम लोग गए थे अंदर, और ये हमारी गाड़ी वगैरह खड़ी है, और यहाँ पर आगे ही मेरी सास का भी घर है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाएंगे। उनका घर तो नहीं दिखाएंगे लेकिन ये है कि वहाँ की सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।